खाना है, बोरिंग खाना जब बन सकता है इतना टेस्टी खाना। कैसा लगा चलो उसकी? सो गाइज, फिलहाल शाम की आरती हो गई है और आप देख सकते हैं जैसे कि हमने आपको बताया था हमारी 9 दिन अखंड जोत जलेगी, तो वो जल रही है। आज का ब्लॉग मेरा शाम से शुरू हुआ है क्योंकि जो है दिन में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, तो आज शाम से शुरू किया है। तो अभी हमने जो है आरती कर ली है, अब चलते हैं किचन में। आज हम आपको किचन में खूब सारे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की बना के बताएंगे। जो लोग भाई 9 दिन व्रत रहते हैं उनके साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है क्या कि उन्हें बेचारों को ये लगता रहता है कि हम क्या खाएं क्या खाएं, क्योंकि ऑब्वियसली एक नॉर्मल चीज़ खा के इंसान नहीं रह सकता। तो चलिए हम किचन में चलते हैं। आज हम बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस बनाएंगे जो हम खा सकते हैं नवरात्रि के व्रत में। तो चलिए हम किचन में चलते हैं और शुरू करते हैं। गाइस, फाइनली हमने किचन में एंट्री ले ली है। अब हम एक पैन में देसी घी, रिफाइंड या जो भी आप खाते हैं उसमें नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक को अगर आप घी के साथ में मिक्स कर लेंगे तो ये सारी मखानों में अच्छे से जो है फिर लग जाएगा और आपको खाने में अच्छा टेस्ट आएगा। तो मखानों को रोस्ट करेंगे इसी के साथ में, और ध्यान रखना है कि ज़्यादा घी या रिफाइंड नहीं डालना है। और इसी के साथ हम थोड़ी सी मस्ती भी करते जा रहे हैं। अब इनको धीमी धीमी आंच में आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से, अब इसमें क्या होगा ना, जो नमक हमने साथ में डाला है उसकी वजह से मखानों में नमक बहुत अच्छे से कोट हो जाएगा। तो अब ये रेडी हो गए हमारे लिए। तो चाय के साथ में हम मखाने लेंगे, ये हमारा पहला नाश्ता। आज के चटोरों के लिए हमारी दूसरी डिश है पकौड़ियाँ। तो पकौड़ियाँ बनाएंगे हम दो तरीके से, चलिए दिखाते हैं आपको। सो गाइस, हम 2 से 3 आलू लेंगे और उनको गरम गरम ही फोड़ेंगे। उसके बाद उनको खूब अच्छे से इनका हम भरता तैयार करेंगे, और इन्हें गरम गरम जब हम आलूओं को मैश करेंगे तो इसकी वजह से इनमें एक भी लम्स नहीं रह जाएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा कूटू का आटा, क्योंकि व्रत की पकौड़ियाँ तो ऑब्वियसली कूटू के आटे से ही बनेंगी। थोड़ा नमक डालेंगे और नमक में ये जो नमक की गांठें हैं इनको हम हाथ से अच्छे से फोड़ लेंगे। अगर नहीं फोड़ेंगे तो नमक ज़्यादा कहीं कहीं पर लगेगा, तो इसे इन अच्छे से फोड़ लीजिए। और जैसे हम बेसन फेंटते हैं उसी तरीके से हमें इस बैटर को भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फेंटना है इस तरीके से। एक बार में पानी डाल देंगे तो ये गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसको अच्छे से फेंटना है इस तरीके से। देखिए ये देखिए इस तरह से इसको फेंटना है। और इसको जब हम फेंट लेंगे तब भी हो सकता है कि जब थोड़ी देर बाद आप इसकी पकौड़ियाँ बनाएं तो आपको कुछ टाइट लगे, तो आप इसमें फिर से थोड़ा पानी डालकर इसको फेंट लीजिएगा। बैटर इस तरह से बनना चाहिए, इसको इतना फेंटना है कि ऐसा लगे कि ये फूल गया है। ये देखिएगा इस तरह से, देखिए जैसे बेसन को हम फेंटते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसको फेंटा है। और इसके बाद अब हम इसकी करेंगे पकौड़ियाँ तैयार। तो इसके बाद हम दूसरे तरीके का बैटर तैयार करेंगे, क्योंकि हम 2 तरीके के आलू की पकौड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए हम आलू लेंगे कच्चा और उसको ऐसे स्लाइस करके काटेंगे जैसे बेसन की पकौड़ियाँ बनाते हैं। दूसरे तरीके की पकौड़ी बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे कूटू का आटा और साथ ही में उसमें डाल लेंगे थोड़ा सा नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। इसमें भी जो ये नमक की गांठें हैं इनको हाथ से फोड़ लेना है और फिर पानी मिलाकर इसको फेंटना है। इसको बिल्कुल बेसन की तरह फेंटना है। हमने जो उबले हुए आलू का जो बनाया था बैटर पकौड़ियों के लिए उसको थोड़ा गाढ़ा था, इसको पतला पतला फेंटना है जैसे बेसन फेंटते हैं पकौड़ियों के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और फेंटते जाइए, और इसको तब तक फेंटना है जब तक जो कूटू का आटा है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, मतलब खड़ा खड़ा ना लगे। क्योंकि देखिएगा स्टार्टिंग में वो थोड़ा थोड़ा खड़ा लगता है, बाद में धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे उसका आटा गल गया। अब ये बैटर रेडी है पकौड़ियों के लिए। चलिए पकौड़ियाँ बनाते हैं। दोनों तरीके की पकौड़ी की तैयारी हो गई है, चलिए अब हम बनाते हैं हमारी पकौड़ी। ओके, बनाना है उसके ऊपर कढ़ाई में देसी घी या रिफाइंड घी जो भी आप खाते हैं उसको गर्म करिए, और उसमें हम पहले तरह की पकौड़ियों को डालेंगे। जैसे हम नमकीन आटे के गुलगुले बनाते हैं, मीठे आटे के गुलगुले बनाते हैं, वैसे ही इसको डालना है। तो ऐसे करके पूरे में डाल देना और इनको तब तक भूनना है जब तक कि गोल्डन कलर की ना हो जाए। तो फिलहाल अभी ये एक बार की पूरी पकौड़ियाँ पड़ गई हैं, अब हम इन्हें अच्छे से भूनेंगे।
काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड डाल लिया है इसलिए अच्छे से डाल देंगे। तो अब ये फिलहाल पूरी हो गई है, अब हम इन्हें अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए गाइस, अब ये हल्की हल्की गोल्डन कलर की होनी शुरू हो गई है। ये देखिए इस तरह से, कब इसको इसकी आँच को जो है घी के हिसाब से कम या तेज करते रहिए। जब तेज़ हो जाए तो थोड़ा धीमा कर लीजिए, धीमा हो जाए तो थोड़ा तेज कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए अभी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इनको निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे इस तरह से। तो जिन लोगों को साधारण व्रत में सिंपल नहीं अच्छा लगता है खाना, वो इस तरीके से टेस्टी चीज़ें बना बना के खा सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको पसंद आई हो मेरी डिशेस तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, अभी तक नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए। तो ये देखिए गाइज, ये वाली दूसरी वाली भी घान की भी पकौड़ियाँ हमारी जो है गोल्डन कलर की होने लगी हैं। सॉरी, ये मेरी तरफ की लैंग्वेज है कि हम जो पूरी एक बार में डालते हैं उसको घान बोला जाता है हमारे यहाँ, तो ये हम घान बोल रहे हैं इसको। तो ये सारी हो गई है, अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे। और ये तो फिलहाल हमारी ये जो उबले आलू वाली पकौड़ियाँ थी ये बनके कंप्लीट हो गई। तो ये देखिए गाइस कैसी लग रही हैं। इसी बात पे गाइस, लाइक तो बनता है ना। तो चलिए अब हम हमारी दूसरी तरीके की पकौड़ियाँ तैयार करते हैं। तो उसके लिए हम बैटर लेंगे और हमारी जैसे हम बेसन में आलूओं को डाल लेते हैं, आलू की चिप्स को, बिल्कुल वैसे ही इसमें डालेंगे, कोट करेंगे और तेज़ आँच में इसको हम भूनेंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे सारी पकौड़ियों को हम डाल लेंगे इसमें एक एक करके इस तरह से। ये देखिए गाइस, अब ये भी फूली, देखिए कितने अच्छे से फूली हैं। और इन्हें भी हम तब तक जो है भूनेंगे जब तक ये गोल्डन कलर की नहीं हो जाएंगे। देखिए अब ये धीरे धीरे गोल्डन कलर की होने लगी है इस। और ये वाली पकौड़ियों को आप जितना मीडियम आंच में सेकेंगे उतनी अच्छे से भुनेंगे। ये देखिए आलू थोड़े हमने कम ही काटे थे, लेकिन फिर भी इनकी मतलब बाकी पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। तो देखिए इस तरह से अचल को देव को दोनों को ये पकौड़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो गाइस, जो दोबारा के बच्चे इनको भी अच्छे से भून लेंगे। और देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, अब इनको निकाल लेंगे। और अब ये हमारा लास्ट वाला बचा है, इसके बाद ये लास्ट वाले को भी हम पूरा एक साथ डाल देंगे और एक साथ बनने के लिए छोड़ देंगे। और इन्हें तब तक भूनेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती हैं। तो देखिए गाइस, अब ये गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और इन्हें भी निकाल लेंगे। गाइस ये देखिए कितनी क्रिस्पी, इनकी आप आवाज़ सुनिए तो ये बहुत क्रिस्पी बनती हैं और टेस्टी भी। तो हमारी ये भी बनके तैयार हो गई है। सो गाइस, अब हम तैयार करेंगे हमारी तीसरी डिश। इसके लिए हम एक कटोरी में दही लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। और अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसको इतना फेंटना है कि अच्छे से बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर में आ जाए इस तरह से। देखिए गाइस, इनको तैयार हो गया। इधर हम एक तवे पर गाइस थोड़ा सा जीरा अच्छे से भून लेंगे धीमी धीमी आँच में। और उसके बाद उस जीरे को हम पीस लेंगे। और दही में हमने थोड़ी सी जो हमारी कूटू के आटे की पकौड़ी थी आलू वाली, उबले आलू वाली, उनको हमने बचा लिया था, उनको इस तरह से हम दही में मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो जैसे हम दही पकौड़ी खाते हैं इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा आएगा। ये देखिएगा, इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर, ये देखिए ऐसे। और अब हम एक बोल लेंगे, उस बोल में हम ये दही पकौड़ी एक एक करके निकालेंगे। ये देखिए गाइस, ये भी बहुत टेस्टी लगती है गाइस, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बिल्कुल दही पकौड़ी वाला बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा भी लगता है, यमी भी होता है और व्रत का भी है। इस तरह से इसके ऊपर हम थोड़ा सा दही डाल लेंगे। और दही डालने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि हम इस पे ये जो हमने जीरा भुना था इसको पीस लेंगे और इस पीसे जीरे को हम इसके ऊपर से डालेंगे इस तरह से गार्निश के लिए। तो देखिए इसका फ्लेवर भुने जीरे का बहुत टेस्टी आता है और जीरा तो हम खाते ही हैं व्रत में। तो देखिए ये हमारी एक और डिश तैयार हो गई। तो कैसी लगी आपको? तो आपको अब तक की मेरी डिशेज
डिशेस कैसी लगी, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फाइनली हम चलते हैं हमारी लास्ट डिश के ऊपर, सॉरी ऊपर नहीं, लास्ट डिश बनाने की तरफ। सो लेट्स गो। ज्यादा बातें हमारी तीसरी डिश तैयार करने के लिए हम एक पैन में घी डालेंगे और उसमें मूंगफली के दाने डालेंगे और मूंगफली के दानों को अच्छे से भूनेंगे। उसमें इनको भी थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनना है, जैसे क्रिस्पी होते, जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से, सॉरी गाइज, मेरी इस तरह से कहने की थोड़ी सी आदत है। तो ये देखिए अब ये ब्राउन हो गए, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब ये भून चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ घी है उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे इस, और हम क्या करेंगे, जो लाल खड़ी मिर्च होती है उसको थोड़ा सा कूट लेंगे किसी चीज़ से और फिर उस कूटी हुई मिर्च को ऐसे इसमें घी में डालेंगे। इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और फिर हम इसमें आलू डालेंगे। और गाइस अब हम जब ये आलू भूनेंगे ना, अब भूनने के बाद जब इन्हें खाएंगे तो इस लाल मिर्च का जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत टेस्टी आता है, बहुत अच्छी स्मेल आती है इसकी। तो अब हम इसे भूनेंगे और इन्हें हम तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्के हल्के रेड नहीं होने लगेंगे। और अगर आलू दानेदार है ना तो उसकी खासियत होती है कि वो जितना घी होगा सारा पी जाएगा और वो बहुत अच्छे से रेड होकर भुनता है। तो इस तरह ये देखिए गाइस, अब हम इसमें नमक डाल देंगे और इसमें भी ये जो दाने, क्योंकि सेंधे नमक में अक्सर होता है कि उनकी उनमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो गांठों को अच्छे से हाथ से मैश कर देना है, वरना अगर मुंह में चली गई तो उसका पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको फोड़ लीजिए, फिर खूब अच्छे से इसको चलाना है। ये देखिए थोड़ी तेज आंच कर लीजिए और सुनहरा होने तक इसको भूनिए। ये देखिए तो अभी अच्छे से भून गए। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक कटोरी में फिर से दही लेंगे और जो खीरा होता है उसको कद्दूकस कर लेंगे और दही में नमक डालेंगे अच्छे से, इसको अच्छे से फेंट लेंगे और उसके बाद हम इस फेटे हुए दही के अंदर ये जो खीरा है इसको डालेंगे और हम बनाएंगे खीरे का रायता, क्योंकि आलू के साथ में खीरे का रायता बहुत टेस्टी लगता है। और जब किसी का कुछ टेस्टी और यमी खाने का मन हो ना तो इस तरीके का बनाना चाहिए। तो ये देखिए अब ये रायता जो है वो अच्छे से तैयार हो गया। जो भूनने जीरा भून के पीसा था ना वो थोड़ा सा बचा के रख लिया था, तो उसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे ये देखिए, और अच्छे से इसको भी फेंट लेंगे। अब जो ये खीरे के रायते का जो फ्लेवर आएगा ना वो बहुत टेस्टी आएगा। तो ये देखिए हो गया। अब हम एक प्लेट में आलू लेंगे, ये देखिए कितने अच्छे रेड लग रहे हैं, और इसके ऊपर से हम जो मूंगफली को भूना था वो डालेंगे, कि हमने आपको बताया था आलू के साथ में मूंगफली का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो हम मूंगफली के दानों को आलू के ऊपर डालेंगे, उसके बाद एक कटोरी लेंगे और साथ में हम लेंगे ये उसका रायता जो हमने खीरे का बनाया था, और इस रायते को अब कटोरी में ले लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ हमारा थोड़ा सा ये बचा है जीरा, इसको भुने हुए जीरे को इसको हम इसके ऊपर से फिर से स्प्रिंकल करके और गार्निशिंग कर देंगे। तो गाइस कितना अच्छा लग रहा है, या थोड़ा सा हम डाल देंगे आलू के ऊपर भी। सो गाइस हमारी चौथी और लास्ट डिश भी रेडी हो गई है। सो कैसी लगी आपको गाइस, देखिए तो फाइनली हमारी सारी कम्प्लीट हो गई। बिग बॉस चल रहा है, साथ में खा रहे हैं खाना। क्यों खाना है बोरिंग खाना जब बन सकता है ना? कैसा लगा चलो उसमें इतना ही नहीं आपके लिए प्लान किया है। सो गाइस खाना पीना हो गया है, और कैसी लगी आपको मेरी आज की ये सारी रेसिपीज, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना वीडियो को, मेरे और चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस अगर आपको स्वीट डिशेस भी देखनी है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं स्वीट डिशेस की भी जो रेसिपीज हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और इसी के साथ लेते हैं हम विदा, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।